नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। ग्वालियर के गोलेका मंदिर थाना इलाके के जेबी मंगाराम फैक्ट्री के पीछे नारायण विहार कॉलोनी में सास की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए मकानों को जिला प्रशासन द्वारा गुरुवार को धराशायी कर दिया गया। अतिक्रमण की सूचना पर यहाँ तहसीलदार RN तिवारी, निगम और पुलिस बल के साथ यहाँ मौके पर पहुंचे और 25 बीघा जमीन पर बने करीबन एक दर्जन से अधिक मकानों और बाउंड्री वॉल को JCB मशीन चलाकर धराशायी कर दिया। इस दौरान यहां बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। ये एक्चुअली नारायण विहार का एरिया है, गोसपुरा के अंतर्गत आता है। यहां पे ये पूरी जो जमीन है शासकीय भूमि है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण लोग मना करने के बावजूद मानते नहीं हैं, कार्रवाई करने के लिए अपना नाम नहीं बताते हैं। इसलिए जो जितना भी अतिक्रमण है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, भविष्य में अतिक्रमण ना हो इसलिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें लगभग 25 एकड़ ज़मीन है, उसमें से 5 एकड़ ज़मीन में जैसा आप देख रहे हैं पूरा लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, इसको हमने साफ करवाया है। इसमें बहुत सारे लोगों ने एक बड़ा मंदिर भी बना लिया था और बहुत सारे लोगों के अधभने हुए मकान हैं, नींव भरी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल लोग आते हैं, मना करते हैं, लोग नाम नहीं बताते हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं सामने आया है कि किसके द्वारा मकान बनाया गया है। ये तहसीलदार साहब ग्वालियर, उनके द्वारा यहाँ पर यह अतिक्रमण का जो अभियान चलाया है, नगर निगम है और इसमें पुलिस से जो सुरक्षा व्यवस्था मांगी थी वो पुलिस व्यवस्था, उनको सुरक्षा व्यवस्था दी गई है। हाँ, लगभग 50 आदमी का बल है लगभग। ग्वालियर किले पर हर साल की भांति इस साल भी रामनवमी के उपलक्ष्य में किसान राणा मेले का आयोजन किया जाएगा। महाराजा भीम सिंह राणा के श्रद्धांजलि दिवस पर इस मेले का आयोजन किया जाता है, जहां ग्वालियर किले पर सभी समाज बंधु और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि महाराज भीमसेन राणा एवं उनके उत्तराधिकारी छत्र सिंह राणा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस आयोजन में देश भर के लोगों के शामिल होने की संभावना आयोजन समिति ने जताई है। इस वक्त नया ये है कि कन्याओं के विशेष रूप से नारी सशक्तिकरण को विशेष ध्यान दे रहे हैं इस बार, क्योंकि हमारी राज्य स्तरीय पहलवान है रानी राणा, स्टेट लेवल का भी अभी उसने 1 लाख का इनाम जीता है, वो आ रही है। उसको फोगाट कहते हैं, ग्वालियर की फोगाट, वो जो है वो आ रही है। और एक साक्षी मलिक ओलंपियन, वो आने वाली थी, अभी US चली गई, उसके पिताजी आ रहे हैं। मैंने कहा आप आके कह दो कि भाई हमको पहले सरकार की तरफ से जाना पड़ रहा ज़रूरी, तो वो आ रहे हैं। ये कार्यक्रम जो है सुबह 10 बजे शुरू होगा, गायत्री हवन होता है, फिर हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, दूरदर्शन के कलाकार, ब्रज की टीम आएगी और वो बढ़िया पूरे दिन रस की जो है पूरे ढोलक पर बात करें, बहुत रंगीन, बहुत बच्चे बड़ा बने उससे उत्साह आता है। दिन रस की कविताएँ बहुत अच्छी सुनाते हो, पूरा इतिहास गाएंगे, हमारा बहुत सा इतिहास अभी छुपा हुआ है, उसको वो सब उजागर करते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी VL कांता राव ने लोकसभा निर्वाचन के तीसरे चरण के निर्वाचन के लिए तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि मतदान के दिन मतदान केंद्रों पर आवश्यकता अनुसार टेंट लगाए जाए ताकि मतदाता को धूप में खड़ा न रहना पड़े। मतदान केंद्रों पर पीने के पानी की व्यवस्था की जाए, स्वास्थ्य विभाग का अमला तैनात रहे जिससे मतदाता को कोई तकलीफ न हो। भोपाल में निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों की बैठक लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि अवैध गतिविधियों पर सख्ती से अंकुश लगाया जाए तथा अवैध शराब व धन राशि का परिवहन होने पर जब्त किया जाए, आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराएं, आयकर विभाग की मांग पर तुरंत पुलिस बल उपलब्ध कराए, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक जिले का संयुक्त रूप से भ्रमण एवं निरीक्षण करें और प्रदेश के सीमावर्ती जिलों पर स्थापित जांच चौकियों में प्रभावी चेकिंग की जाए। उन्होंने कहा कि दिव्यांग मतदाता और सर्विस वोटर के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराएं।
नवरात्र पर्व के पांचवें दिन भी शहर के सभी देवी मंदिरों में भक्तों की खासी भीड़ देखने को मिली, जहां माता के भक्तों ने पूजा आराधना कर माता को मनाने का प्रयास किया। नवरात्र पर्व के उपलक्ष्य में शहर के सभी देवी मंदिरों में मेले जैसा माहौल बना हुआ है। देवी की आराधना के पांचवें दिन राम मंदिर चौराहे के पास बने चामुंडा देवी मंदिर में सुबह से भक्तों की खासी भीड़ देखने को मिली। यहां माता के भक्तों ने देवी की आराधना के साथ प्रसादी का भी वितरण किया गया। कहा जाता है कि सच्चे मन से यहां जो भी अपनी फरियाद लेकर आता है, माता उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। ग्वालियर में पहला मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, जैसे 150 साल पुराना मंदिर है। जैसे जो भी मनोकामना, मतलब भक्त लोग आते हैं, जो भी मनोकामना उनकी होती है वो अपनी मनोकामनाएं यहाँ रखते हैं, उनकी मनोकामना माया पूरी करती है, बच्चे की भी हो, जो भी कामना उनकी हो। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही प्रशासन ने शातिर अपराधियों पर शिकंजा कस दिया है, जिसके चलते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी लगातार की जा रही है। इसी गिरफ्तारी अभियान के चलते हुए ग्वालियर पुलिस ने फरार चल रहे एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। ग्वालियर पुलिस थाना अंतर्गत खिड़की मोहल्ला में चोरी की वारदात को अंजाम देकर शातिर चोर हेमू प्रजापति काफी दिनों से फरार चल रहा था। ग्वालियर पुलिस द्वारा हेमू प्रजापति को गिरफ्तार किया गया, जिससे सख्त कार्रवाई और पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूला। आरोपी पूर्व में भी आपराधिक प्रकरण से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये दिनांक अतर सिंह कुशवाहा को दिनांक 4-5 की दरमियानी रात इनके घर में चोरी हुई थी खिड़की मोहल्ला में। उसकी रिपोर्ट दिनांक 5 तारीख को कायम हुई थी। रिपोर्ट पर 5 तारीख को अपराध कायम किया गया था। जब वहाँ के घटनास्थल के आसपास के वीडियो फुटेज निकाले गए, सीसीटीवी फुटेज निकाले गए, तो ऐसा लगा कि कोई निम्मा प्रजापति जो वहाँ का आतंक चोर है उसके जैसा व्यक्ति सीसीटीवी फुटेज में आया। तो जब इसको पकड़कर पूछताछ की गई तब इसके पास से माल बरामद हुआ, इसके घर से माल बरामद हुआ। लगभग कितने का माल? लगभग 50,000 का माल और 40,000 रुपये चोरी हुआ था। पहले भी कोई अपराध इसके ऊपर है? हाँ, इसके विरुद्ध चोरियों के कई अपराध हैं एवं एक मर्डर का अपराध भी पूर्ण है। इसमें इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, इससे कुछ माल बरामद कर लिया गया है और अभी पूछताछ जारी है। पूछताछ कर रहे हैं और पतारसी का प्रयास कर रहे हैं। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने स्कूली वाहनों में बच्चों को ओवरलोड किए जाने संबंधी जनहित याचिका पर गुरुवार को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और यातायात पुलिस को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि बार बार बच्चों को ओवरलोड करते पकड़े जाने पर वाहन चालकों जैसे बस, वैन, ऑटो के खिलाफ अब तक कितनी कार्रवाई की गई है, जिनमें उनके लाइसेंस और फिटनेस रद्द किए गए हों। इस पर अफसर कोई जवाब नहीं दे सके। दरअसल 2012 में एक जनहित याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि स्कूली वाहनों में बच्चों को बेतरतीब तरीके से ठूसा जाता है और जिसके कारण बच्चे लगभग लटकने की स्थिति में रहते हैं। कई बार दुर्घटनाएं भी घटित हो चुकी हैं, लेकिन क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, स्कूल प्रबंधन और यातायात पुलिस जैसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करते, इससे गलतियाँ दोहराई जाती हैं। इससे पहले भी हाईकोर्ट ने निर्देशित किया था कि स्कूली वाहनों में निर्धारित संख्या में ही बच्चों को बैठाया जाए। पिछले दिनों सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आरटीओ और यातायात पुलिस के अफसरों को तलब किया था। हाईकोर्ट ने अफसरों के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगले सप्ताह उन्हें गलती दोहराने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई संबंधी आंकड़े पेश किए जाएँ, क्योंकि स्कूली बच्चों जैसे संवेदनशील मामले में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज एक जनहित याचिका आरटीओ जो बच्चों के संबंध में जो ओवरलोडिंग है उसके संबंध में पेश की गई थी, तो उसमें आज ग्वालियर आरटीओ पेश हुए थे। तो हाईकोर्ट ने उनसे नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहा है कि आपने 2012 से ये पिटीशन जो ऑर्डर हुआ था मेन पिटीशन में, उसके बाद कंटेम्प्ट लगी है, उसमें अभी तक आपने कोई संतोषजनक कार्रवाई क्यों नहीं की। तो उसमें उनने ये कहा आरटीओ से कि अभी तक आपने एक भी परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस है वो निरस्त करने की कार्रवाई क्यों नहीं की, इसलिए उन हाई कोर्ट ने नाराज़गी जाहिर की है आरटीओ ग्वालियर आरटीओ के समक्ष। तो उन्होंने समय मांगा है, उसमें अब बीक कमिंसिंग किया है ऑर्डर, तो अभी एक हफ्ते बाद उसमें सुनवाई होगी।
ग्वालियर के माधोगंज थाना इलाके के कमाटीपुरा में देर रात एक सूने मकान को निशाना बनाकर अज्ञात चोरों ने यहां घर के ताले चटकाकर कीमती जेवरात और नकदी पार कर दी। बताया गया है कि यहां सुनीता शर्मा अपने पति एवं अन्य परिजनों के साथ शीतला माता मंदिर के दर्शन करने के लिए निकले थे। रात 2 बजे के करीब जब वे घर पर वापस लौटे तो ताले टूटे हुए और घर की अलमारी में रखा कीमती सामान भी गायब मिला, जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने फरियादिया की शिकायत पर चोरी का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश प्रारंभ कर दी है। ये माधोगंज क्षेत्र पड़ता है कमाठीपुरा, यहाँ पे सुनीता शर्मा हैं और उनके पति वगैरह जो है कल रात को 11 बजे शीतला माता मंदिर दर्शन करने गए थे। जब लौट के हैं 2:45 बजे तो उनके घर का ताला टूटे मिले हैं। बाहर का भी ताला टूटा है, अंदर का ताला टूटा है, अलमारी टूटी मिली है जिसमें से उनकी सोने की चेन थी, अंगूठी थी, मंगलसूत्र था, सोने की चूड़ियाँ थी तथा कुछ नकदी था। इस तरह 85,000 के बीच की चोरी जो है दर्ज की गई है। पुलिस ने जो है जांच प्रारंभ कर दी है, इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर दिया है। मैं भी अभी घटनास्थल पर पहुंचूंगा। लोकसभा चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने और जिले में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए जिले के पुलिस कप्तान नवनीत भसीन द्वारा गुरुवार को SP ऑफिस परिसर में जिले के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर चुनावों के दौरान शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए हर संभव उपाय करने के निर्देश दिए। SP ने यहां सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि सभी चेकिंग पॉइंटों पर सतत निगरानी रखी जाए एवं चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। देखिए, आज की जो है बैठक है मुख्य रूप से चुनाव और चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए जो लॉ एंड ऑर्डर वगैरह है इसके संबंध में एक तो रिपोर्ट सभी अधिकारियों से अपने अपने स्तर से ली जाएगी, उनकी समीक्षा की जाएगी ताकि ज़िले में जो आगामी चुनाव है वो निर्बाध रूप से चल सके। साथ ही साथ उनके द्वारा की गई कार्रवाई जो अब तक है वो क्या पर्याप्त है अथवा अपर्याप्त है इसके संदर्भ में भी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही साथ आने वाले समय में लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए और खास करके जो मतदान है अपने यहाँ 12 मई को उसको देखते हुए क्या क्या व्यवस्थाएं की जाए, उसमें क्या क्या कमियां अभी हमारे पास है, क्या हमारा एडवांटेज है, इन सभी चीज़ों पर चर्चा लेते हुए एक नीतिगत निर्णय और एक योजना बनाई जाएगी। ग्वालियर के मुरार स्थित संभागीय कार्यपालन यंत्री कार्यालय में पदस्थ रहे सब इंजीनियर रविन्द्र मोदी को भ्रष्टाचार विरोधी कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। उन पर 12,000 का अर्थदंड भी लगाया है। खास बात यह है कि इस मामले में बिजली कंपनी का फरियादी बना ठेकेदार बाद में कोर्ट में अपने बयानों से मुकर गया था, इसलिए न्यायालय ने उसके खिलाफ भी संज्ञान लिया है और अगली पेशी पर उसके खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा। दरअसल मुरैना के रहने वाले बिजली कंपनी के ठेकेदार ने 21 अगस्त 2014 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि वे ट्रांसफार्मर लगाने का काम करते हैं, जिसकी अनुमति संभागीय कार्यालय यंत्री से दी जाती है, लेकिन प्रत्येक ट्रांसफार्मर में बिजली कंपनी के इंजीनियर रविंद्र मोदी उनसे 8,000 की रिश्वत मांग रहे हैं। अनिल शर्मा को उस समय दतिया में 3 ट्रांसफार्मर लगाने थे, इसलिए मोदी ने उनसे 24,000 की रिश्वत मांगी थी। पहली किस्त के रूप में 12,000 रुपये 22 अगस्त 2014 को दिए गए। खास बात ये है कि सब इंजीनियर मोदी ने रिश्वत की यह रकम सीधे हाथों में लेते हुए सामने रखी टेबल पर रखवाई थी, लेकिन उस समय कार्यालय में कोई भी मौजूद नहीं था, इसलिए रिश्वत लेने का आरोपी उन्हें माना गया। और एक दिन पहले 21 अगस्त को ठेकेदार और मोदी के बीच हुई वार्तालाप को लोकायुक्त के वॉइस रिकॉर्डर में टाइप किया गया था। इसे आधार मानते हुए मोदी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में 12,000 रुपये का जुर्माना किया गया है और 4 साल की सजा सुनाई गई है। ये संक्षिप्त मामला यह है कि अनिल शर्मा इलेक्ट्रिकल विभाग में ठेकेदारी करता था, उसका ट्रांसफार्मर चार्जिंग का काम था दतिया जिले में। 3 ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए उसने विधिवत रूप से आवेदन संभागीय कार्यालय कार्यपालन यंत्री संभागीय सुरक्षा एवं सतर्कता विभाग ग्वालियर मुरार में किए थे। उस समय कार्यपालन यंत्री अरुण नागपुरे थे और सब इंजीनियर रविंद्र मोदी थे। उनके द्वारा उसके 3 ट्रांसफार्मर लगाने के एवज में 24,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई और वो रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर में आकर शिकायत की। शिकायत पर से उनके तथ्यों की तस्दीक हेतु एक टैप रिकॉर्डर दिया गया
उसमें आरोपी के द्वारा मांगी गई रिश्वत की वार्ता को रिकॉर्ड किया गया। रिकॉर्ड करने के उपरांत लोकायुक्त वालों ने FIR दर्ज की और उसके बाद ट्रैप का आयोजन किया गया। 22/8/14 को दोपहर 2 बजे लगभग आरोपी के कार्यालय में ही मुरार में उसको 12,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया और आरोपी के द्वारा 12,000 रुपये पहले मांग की गई थी और 12,000 रुपये काम होने के बाद देने के लिए कहा गया था। इसमें एक विशेष बात और है, आरोपी को धारा 7 PC एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 6,000 रुपये का जुर्माने से दंडित किया गया एवं धारा 13 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 6,000 रुपये का जुर्माने से दंडित किया गया। 2 अप्रैल का दिन सुकून से गुजर जाने के बाद अब जिला प्रशासन व पुलिस ने 14 अप्रैल की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रशासन का दावा है कि अम्बेडकर जयंती पर एहतियात के तौर पर सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे। संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी शुरू कर दी गई है। ऐसे में शहर में स्थापित डॉक्टर अम्बेडकर व अन्य महापुरुषों की प्रतिमाओं की गश्त के दौरान नजर रखी जाएगी। गौरतलब है कि 2 अप्रैल 2018 को हुई हिंसा के बाद अम्बेडकर जयंती पर शहर में धारा 144 प्रभावी होने के कारण सामाजिक संगठनों को जुलूस व चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं मिली थी। ऐसे में अम्बेडकर जयंती पर भी इस साल भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाने का दावा जिला प्रशासन व पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि बगैर किसी इनपुट के एहतियात के तौर पर सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे ताकि चुनाव के मौके पर कोई शरारती तत्व जिले के कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश न कर सके। देखिए, अभी हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि 14 तारीख को रामनवमी भी है और साथ ही साथ अंबेडकर जयंती भी है, तो अंबेडकर जयंती को ध्यान में रखते हुए जितने भी स्थानों पर अंबेडकर जी की प्रतिमा है अथवा समारोह है उनकी हमने विधिवत जो है लिस्टिंग की है, आयोजकों से चर्चा करके उसकी क्या योजनाएं हैं, कैसे कैसे व्यवस्थाएं उनकी है, उसके अनुरूप हम पुलिस के हिसाब से भी उनकी ड्यूटी जो है उनमें तय की जाएगी। साथ ही साथ जिस तरह की संवेदनशील स्थिति बनी हुई है काफ़ी समय से, तो निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए हम एहतियात के तौर पर अतिरिक्त व्यवस्था भी लगाएंगे। अम्बेडकर जयंती पर जिला प्रशासन व पुलिस अधिकारी लोगों से संवाद करेंगे और लोगों को इस बात की समझाइश देंगे कि किसी के बहकावे में नहीं आए। अगर कोई शरारती तत्व उकसाने का प्रयास करता है तो इसकी सूचना संबंधित पुलिस अधिकारी व थाने को दे। जिला प्रशासन ने कुछ प्रमुख सामाजिक संगठनों को सशर्त चल समारोह निकालने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है। और अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।